नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली। इस म्यूजियम की स्थापना 9 जनवरी 1992 को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा द्वारा की गई थी। यह म्यूजियम दिल्ली के भैरों रोड पर स्थित है, जो कि प्रगति मैदान के पास है। इस म्यूजियम का डिज़ाइन इंडियन आर्किटेक्ट ए.पी. कांविंदे द्वारा बनाया गया था। इस म्यूजियम में एंट्री टिकट ₹50 है। इसमें कुछ शो भी चलते हैं, जिसके चार्जेस अलग से हैं। इसमें साइंस से जुड़ी काफ़ी सारी अनोखी और अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। आओ अंदर चलते हैं और देखते हैं। म्यूजियम के अंदर आते ही हमें देखने को मिलता है हमारा ब्लू प्लैनेट, जिसमें हमारे जीवन में पानी की इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि कैसे पानी को पीने लायक बनाया जाता है, और साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे हमें पानी को बचाना चाहिए। इंसान ने नई नई चीज़ों का आविष्कार करना प्राचीन काल से ही शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे प्राचीन थी हड़प्पा सभ्यता। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह ऐसी सभ्यता थी जिसने अपने जीने के लिए कई सारी वस्तुओं का आविष्कार किया, जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाना, औजारों को बनाना, पत्थर के घर बनाना, पशुपालन आदि काम सम्मिलित हैं। प्राचीन काल से आज तक आविष्कार करने का दौर चल रहा है। प्राचीन काल में इंसान ने कई सारे मंदिरों को बनवाया, मस्जिदें बनवाईं और कई इमारतों का निर्माण किया। देखा जाए तो विज्ञान ने आज हर क्षेत्र में आविष्कार कर लिया है। आगे जाने पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान काफ़ी आगे जा चुका है। हमारे शरीर से जुड़ी लगभग हर बीमारी का इलाज आज संभव है। यह है प्रागैतिहासिक जीवन दीघ्रा, विज्ञान द्वारा खोजा गया वो युग जब डायनासोर्स इस धरती पर रहा करते थे। धरती में मिले डायनासोर्स के अवशेषों से पता चला उनके विशाल आकार का। इनका अस्तित्व आज से करोड़ों वर्ष पूर्व था, और सभी डायनासोर्स क्रिटेशियम तृतीय विलुप्ति घटना के फलस्वरूप विलुप्त हो गए, जो कि एक उल्का के पृथ्वी पर गिरने से हुई। आगे चलते हैं फन साइंस की तरफ। यहाँ हमें साइंस से जुड़ी कुछ फनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चे हो या बड़े, हर उम्र के लोग यहाँ साइंस के रोमांचक आविष्कारों के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ साइंस द्वारा बनाए गए काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं, जिसे आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और साथ साथ खेल भी सकते हैं। और सभी इक्विपमेंट में ऐसा लगता है जैसे इनमें कोई मैजिक चल रहा हो। मिरर मेज, जो कि फन साइज का एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है। यह एक ऐसी भूल भुलैया है जिसके अंदर जाकर आपको बाहर आने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। साइंस म्यूजियम के इसी पार्ट में हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और सबसे ज़्यादा मज़े भी करते हैं। फन साइंस के बाद आगे चलते हैं सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की तरफ। साइंस ने सूचना के क्षेत्र में भी अद्भुत क्रांति की है। शुरुआती दौर में इंसानों ने पत्थरों पर अपने संदेश लिखे, और फिर जैसे जैसे आविष्कारों का दौर बदला, हमारे पास अखबारें आईं, रेडियो आए, और आज हम टेलीफोन्स और मोबाइल के मज़े ले रहे हैं। information.com, यहाँ से शुरू होता है हमारा आज का डिजिटल वर्ल्ड, जिसे हम कंप्यूटराइज वर्ल्ड भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया आज हमारे हाथ में पकड़े छोटे से स्मार्टफोन में है, जिसमें हमें पूरे वर्ल्ड की जानकारी एक जगह बैठे बैठे मिल जाती है। यहाँ पर हमें कंप्यूटर की जनरेशन भी देखने को मिलती है। अपने वर्ल्ड के साथ साथ साइंस स्पेस में भी जा चुका है। आज हमारी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स स्पेस में हैं, जो कि हमें पूरे यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन देती हैं। यहाँ आपको वो हर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिसे आज हम यूज़ कर रहे हैं,
और यह सभी टेक्नोलॉजी मिलकर बनाती है हमारे आज के वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड। गुड बाय फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।